हेलो फ्रेंड। तो देखिए, आज मैं आपके साथ साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने इधर दाने ले लिए हैं और हरी मिर्ची, टमाटर और कड़ी पत्ता ले लिया है थोड़ा, और आलू को मैंने बॉईल करके काट लिया है अच्छे से। और देखिए, साबूदाने ले लिए हैं, साबूदाने अच्छे से फूल गए हैं। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल डाल लेंगे। और ऑयल हो गया है गरम, तो इसमें है ना जीरा डाल दिया है। जीरा जीरा अच्छे से चटकने लग जाएगा ना, तो फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। और कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है। उसके बाद अब इसमें हरी मिर्ची और टमाटर को डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे, तो अच्छा लगता है। वैसे पक भी जाता है जल्दी से, दोनों साथ में ही पक जाएंगे। तो देखिए, इधर कड़ी पत्ता, वो हरी मिर्ची और टमाटर को अच्छे से मैंने दोनों को डाल दिया है। और ये अच्छे से भुन गए हैं। देखिए, अब इसके बाद इसमें ना आलू डाल देंगे। और आलू को डालने के बाद इसमें अच्छे से इसे मिला लूँगी। तो देखिए, आलू भी मेरे अच्छे से मिल गए हैं। और इसी में अभी है ना नमक डाल देंगे, थोड़ा स्वाद के अनुसार डाल दें, हिसाब से अपने जितना लगे उतना। और नमक डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे अच्छे से मिला लिया है। और इसमें है ना दाने डाल देंगे और दाने को भी अच्छे से मिला लेंगे। और सब अच्छे से मिलाने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे अभी। बंद करके इसलिए मिलाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो देखिए, अच्छे से मिला लिया है, मिला लेंगे इसको। और मिल गया है अच्छे से ये पूरा साबूदाना आलू में, उसमें तो बढ़िया। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं साबूदाने। और मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, आलू बॉईल करके ही बनाती हूँ। और देखिए, इधर है ना मैंने प्लेट इस पे ढक दी है। अब प्लेट ढकने के बाद इसको है ना अभी स्टीम देंगे। तो स्टीम के लिए तपेली में गर्म पानी रख दिया है, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी है। और अच्छे से इसे ढक दे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो ये अच्छे से हो जाएंगे, बढ़िया सॉफ्ट बनते हैं स्टीम देकर। और इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और खिले खिले बनेंगे साबूदाने की खिचड़ी। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं इसको देख रही हूँ पर ये अच्छे से हो चुके हैं। और 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए तो ये और अच्छे से हो जाते हैं। और देखिए, मैंने बंद कर दिया है गैस को और उसके बाद इसे हटा लिया। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। और आ जाइए आप सब लोग भी खाने के लिए। देखिए, गर्मा गर्म साबूदाने की खिचड़ी। तो फ्रेंड, कैसी लगी साबूदाने की खिचड़ी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।